हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज जो है हम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 वाला टॉपिक करने जा रहे हैं इससे पहले जो वाला जो टॉपिक था रिबेट वाला वो मैंने अपनी पहली वीडियो में करा दिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये जो इनके नोट्स हैं रिबेट और रिलीफ के इन नोट्स की पी भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वो पी डी पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन एटी इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो एरियर्स होते हैं जैसे एरियर्स ऑफ सैलरी है हमारा या कुछ एडवांस सैलरी मिल रही है जो पिछले साल के कुछ एरियर्स थे वो हमें इस साल रिसीव्ड हो रहे हैं तो इस केस में हम लोगों को जो टैक्स पे करना होगा जो पिछले साल हमने थोड़े बहुत रिबेट ले लिया था अब क्या वो रिबेट या जो हमें डिफ्रेंस है डिडक्शन है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी तो यहाँ पर रिलीफ के अंदर ये बातें आती हैं द रिसिप्ट ऑफ एरियर कैन लीड टू अ हाइयर टैक्स इंसिडेंस इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज द अमाउंट गेट टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट क्योंकि अमाउंट जो है इस पर टैक्स तो जिस ईयर ये रिसीव हो रही है उसी ईयर लगेगा अब पिछले साल का कुछ एरियर था जो मुझे अब रिसीव हो रहा है तो यहाँ पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा बट मेरी एक्चुअल इनकम किस ईयर की थी पिछले साल यानी पिछले साल की लगनी चाहिए थी जब मैंने पिछले साल टैक्स मान लो पे किया था कि, दो लाख की इनकम पर उसमें मुझे पचास हज़ार और मिलने थे लेकिन वो मुझे अगले साल मिले हैं ठीक है तो अब मेरे को उस ईयर की इनकम और जो हमें अभी की रिसीव हो रही है अभी मेरे को मान लो तीन लाख की इनकम रिसीव होगी तो तीन लाख की जो मेरे को इनकम रिसीव होगी अब उसके ऊपर भी पचास हज़ार है क्योंकि वो पिछले साल से आया है तो इस तरह से क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमें कितनी रिलीफ मिल सकती है जो पिछले के एरियर्स हमारे पास आए हैं या फिर कुछ ऐसे एडवांस पेमेंट्स हैं ठीक है इफ़ द एम्प्लॉय हैड रिसीव दिस अमाउंट इन द ईयर टू विच इट परटेन द एडिशनल टेक्स बुड हैव बीन स्प्रेड ओवर द ईयर्स इंस्टेड ऑफ बींग पेड एज अ लमसम क्या होता है कि एक साथ पे ना कर, कर उनको क्या किया जाता है थोड़ा आ, एक डिविजन में पे किया जाता है ठीक है तो अब हमने ये देखना है कि किस तरह से रिलीफ दी जाती है किन किन केसेस में रिलीफ होगी अब कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है कि हम रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन एटी नाइन एम्प्लॉयज सैलरी अगर पे की गई है एरियर है उस सैलरी में या एडवांस है और वो जो है सैलरी अपनी इस फाइनेंशियल ईयर में बारह महीने की जगह तेरह महीने की सैलरी को रिसीव कर रहा है तो उस केस में वो पर्सन एप्लीकेबल है कि वो रिलीफ को क्लेम कर सकता है ही इज़ इन रिसिप्ट ऑफ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी अगर उसको किसी तरह से प्रॉफ़िट मिल रहा है सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस केस में भी वो पर्सन या वो इंडिविजुअल जो है रिलीफ को क्लेम कर सकता है so due to the above reason his income is assessed at a rate higher than that of which it would otherwise have been assessed यानी yani, अब यहाँ पर किस तरह की income assessed होगी एक तो वो वाली income assessed होगी जिस year में उसने वो income earn करी थी बाकी एरियर भी एड होगा ठीक है तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर एलिजिबल रिसिप्ट क्या हैं अब एस को कौन कौन सी रिसिप्ट पर रिलीफ अवेलेबल होगी एरियर ऑफ सैलरी कोई सैलरी का एरियर था कोई एडवांस सैलरी रिसीव्ड हुई थी लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस सर्विस के टाइम पर कुछ लीव इन कैशमेंट मिली है फिर है ग्रेटुटी और वॉल्ट्री रिटायरमेंट कम्पेंसेशन ग्रेटुटी या कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन मिला है फैमिली पेंशन कुछ फैमिली पेंशन है जो कि रिसीव्ड हुई है एरियर में रिसिव्ड हुई है अंडर सेक्शन फिफ्टी सेवन एनी अदर प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी ठीक है यहाँ पर एक नोट है कि अगर किसी असेसी ने एग्जम्पन क्लेम करी है अंडर सेक्शन टेन टेन सी रिगार्डिंग कंपनसेशन अंडर यू आर एस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रिलीफ तो वो एलिजिबल नहीं होगा रिलीफ को क्लेम करने के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लेम ऑफ रिलीफ रिलीफ शुड बी क्लेम्ड बाय द इम्प्लॉय एम्प्लॉय के द्वारा क्लेम्ड होनी चाहिए बाय वे ऑफ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टेन ई टेन ई का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिकलरेशन होनी चाहिए रिलीफ के रिगार्डिंग सच क्लेम कैन बी मेड टू द एम्प्लॉयर ये जो है क्लेम एम्प्लॉयर के द्वारा मेड किए जाएंगे एट द टाइम टू द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग टू द इम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ मेकिंग यानी जब उसकी टी डी एस बना रहा है एम्प्लॉयर जो है इम्प्लॉय की टी डी एस बना रहा है यानी क्या होता है अगर सैलरी मिलती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉयर क्या करता है उसमें से टी डी एस माइनस कर देता है ठीक है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लगा देता है अगर वो लगा रहा है तो उस केस में भी क्लेम जो है सॉरी रिलीफ जो है उसका क्लेम मिल सकता है जो एम्प्लॉयर है उसको जो क्लेम मिलेगा वो अंडर सेक्शन किस में मिलेगा वन नाइन्टी टू टू ए में ठीक है उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अब हम जो है रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन में किस तरह से कंप्यूट करते हैं इस रिलीफ को सबसे पहले सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको टैक्स पेएबल कितना टैक्स पे करना है टोटल इनकम पर टैक्स हमेशा किस पर लगता है टोटल इनकम पर ना कि ग्रॉस टोटल इनकम पर ये ध्यान रखना टैक्स जो है हमेशा टोटल इनकम पर लगेगा तो कितना टैक्स पे कर रहा है टोटल इनकम पर इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी जो एडिशनल सैलरी रिसीव्ड हो रही है जो एरियर वाली थी ठीक है वो वाली सैलरी इंक्लूड कर कर पहले उसका टैक्स निकालोगे उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करेंगे फिर उस सैलरी को एक्सक्लूड करके जो पिछले साल की पचास हज़ार रिसीव्ड हुई है मान लो तो उसको पहले तो फर्स्ट स्टेप में इंक्लूड करोगे सेकंड स्टेप में उसको एक्सक्लूड करोगे फिर इन दोनों का टैक्स निकाल लोगे इन दोनों के टैक्स का जो डिफ्रेंस होगा वो कैलकुलेट करोगे एट द थर्ड स्टेप ठीक है उसके बाद कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेबल ऑन द इनकम ऑफ द ईयर टू विच एरियर रिलेट जिस इनकम से एरियर रिलेट कर रहा है ठीक है यानी पिछले साल से एरियर रिलेट कर रहा था तो उस पिछले साल की इनकम पर आप टैक्स निकालेंगे टैक्स कैसे निकालेंगे उस एरियर को एक्सक्लूड करके ठीक है फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे उसी एरियर को इंक्लूड कर देंगे पिछले साल की इनकम में जो भी एरियर था पिछले साल का उसमें टैक्स इंक्लूड कर देंगे फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अब जो स्टेप थर्ड है स्टेप सिक्स है उन दोनों में क्या निकाला गया है डिफरेंस निकाला गया है एक तो हमारी करंट ईयर इनकम के ऊपर निकाला एक हमारी प्रीवियस ईयर इनकम के ऊपर निकाला ठीक है ना जो एरियर थे उसके बेसिस पर अब इन दोनों स्टेप में क्या करोगे लास्ट स्टेप में जो थर्ड स्टेप है ठीक है और जो सिक्स स्टेप है इसको माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम रिलीफ कहेंगे ठीक है अगर अमाउंट पॉजिटिव होता है तो वो रिलीफ होगा अगर अमाउंट पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको रिलीफ नहीं कंसिडर करेंगे और अगर अमाउंट पॉजिटिव है उसके बाद आपने क्या करना है अपना एजुकेशन सेस वगैरह देना है ठीक है अब ये जो एजुकेशन सेस और हेल्थ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जो सर्चार्ज वगैरह होता है ये कब देंगे फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में फोर्थ फिफ्थ स्टेप में ठीक है थर्ड स्टेप में तो दोनों के डिफरेंस आएंगे फिर सेवन्थ स्टेप में उन दोनों के डिफरेंस को जो दो डिफरेंस आए हैं उनका फिर से डिफरेंस निकाला जाएगा फिर सेवंथ स्टेप के बाद जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो होगा रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन ठीक है अब एक बार इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अच्छे से क्लियर हो जाए अब हमारा जो क्वेश्चन है रिलीफ से रिलेटेड वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन में क्या बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करना है रिलीफ अंडर सेक्शन एटी नाइन टोटल इनकम कितनी दर रखी है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू की तरक्की है फाइव लाख एटी फाइव थाउजेंड की और ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन की तरक्की है थ्री लाख थर्टी थाउजेंड की और इन्होंने बोला जो इनकम है फाइव लाख एटी फाइव थाउजेंड इनकलूड करता है एरियर ऑफ़ सैलरी यानी इसके अंदर जो पिछले साल का ये ट्वेंटी वाला है इसका एरियर जो है इसके अंदर इंक्लूड है ठीक है और एरियर कितने का है फिफ्टी का अब यहाँ पर यह नॉर्मल टैक्स रेट दे रखा है हेल्थ एंड एजुकेशन ये रेट्स बताए हुए हैं उसके बाद इन्होंने बोला है कि रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर एटी सेवन ए असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन अप टू ट्वेल थाउजेंड फाइव हंड्रेड वही बात है कि रिबेट आपको कितने की मिल जाएगी क्योंकि इसकी इनकम कम है तो बारह पाँच सौ तक की रिबेट मिल जाएगी ठीक है किस ईयर में बोले ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्योंकि इनकम कम है ठीक है और असेसमेंट ईयर में भी यही बोल रखा है कि अगर रिबेट मिलेगी तो वो कितने की मिलेगी बारह पाँच सौ की मिलेगी वो आपको पता ही है ठीक है ना भी क्वेश्चन में लिखा हो और अगर इनकम पाँच लाख से कम है तो रिबेट आपको देनी होगी अंडर सेक्शन एट्टी सेवन ए अब इसका कैसे करना है क्वेश्चन सबसे पहले आपने जो आपकी इनकम है प्रीवियस जो करंट ईयर इनकम है उस करंट ईयर इनकम में सबसे पहले आपने क्या करना है एरियर को इंक्लूड करना है फिर उसका टैक्स निकालना है फिर दूसरे स्टेप में एरियर को एक्सक्लूड करना है फिर निकालना है उसका टैक्स फिर उन दोनों को उन दोनों का डिफरेंस निकालना है फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि उनमें एरियर इंक्लूड करना है प्रीवियस ईयर में और फिर उसका टैक्स निकालोगे फिर एरियर को एक्सक्लूड करोगे नेक्स्ट स्टेप में और फिर उसका टेक्स निकालोगे फिर उसका डिफरेंस फिर थर्ड और सिक्स स्टेप का जो डिफरेंस होगा वो सेवन स्टेप में आएगा और वो रिलीफ पर आ जाएगा यही पड़ा था पूरा प्रोसेस अब इसको प्रोसेस को ही अप्लाई करना है अब हमें जो हमारा असेसमेंट ईयर है ठीक है उसमें फाइव एटी फाइव थाउजेंड की इनकम दे रखी है ये क्या है इसके अंदर हमारा एरियर उन्होंने बोला इंक्लूड्स एरियर एरियर को इंक्लूड करके आया है अब इस पर हम फिफ्टी थाउजेंड ऐड करेंगे क्योंकि हमने खुद से इंक्लूड करना है तो इंक्लूड करेंगे कितना फिफ्टी थाउजेंड तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये सिक्स लेख थर्टी फाइव थाउजेंड तो ये तो था आपका एरियर जिसमें एक्सक्लूड है ठीक है ये वाला एरियर जिसमें हमारा एरियर इंक्लूड है सबसे पहले हम करंट ईयर का कौन सा निकालते हैं स्टेप फर्स्ट कौन सा था हमारा ये था कि हमने जो इंक्लूड किया है एरियर उसके ऊपर हम निकालेंगे टैक्स ठीक है तो अब टैक्स किस पर लगेगा टैक्स ऑन सिक्स लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तो पहले दो लाख पचास हज़ार पर कितना टैक्स हो जाता है हमारा नील होता है हमेशा ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड था। पर कितना टैक्स लगता है फाइव परसेंट के रेट से लगता है बारह पाँच सौ हो जाएगा ठीक है उसके बाद फाइव लाख हो गया अब बाकी कितना बचा बैलेंस वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा एट द रेट ऑफ़ ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट के रेट से कितना लग जाएगा सत्ताईस हज़ार ठीक है इसका टोटल करोगे थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इसकी इनकम तो ज़्यादा है पाँच लाख से तो इसको रिबेट तो अवेलेबल होगा नहीं तो हम सीधा क्या दे देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने का आ जाएगा फोर इसका निकालोगे तो आ जाएगा वन ठीक है इसका टोटल करेंगे फोर वन एट ज़ीरो अब इसको हम दे देते हैं नाम ये कि एक पॉइंट ए है ठीक है स्टेप फर्स्ट हो गया अब स्टेप सेकेंड में क्या करोगे जो हमारा टैक्स लगेगा वो किस पर लगेगा एक्सक्लूडेड इनकम पर तो वो कितनी थी फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड की ठीक है अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा पहले टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पर तो नीला जाएगा उसके बाद नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पर कितना आ जाएगा फाइव परसेंट पर बारह पाँच सौ ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो बैलेंस बचा कितना बचा होटी फाइव थाउजेंड का उस पर ट्वेंटी परसेंट का टैक्स लगेगा कितना आ जाएगा सेवेंटीन थाउजेंड इसको टोटल हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा टू नाइन फाइव डबल ज़ीरो ठीक है अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ठीक है कितने का इसके ऊपर लगाओगे तो कितना आ जाएगा वन वन एट ज़ीरो ठीक है टोटल करो थर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एटी ठीक है ये आ गया बी पार्ट अब थर्ड स्टेप क्या करना था इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें ठीक है ये फोर्टी वन ज़ीरो एट ज़ीरो है ठीक है ना हाँ तो अब इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है तो क्या करेंगे ए माइनस बी ए माइनस बी करेंगे फोर वन ज़ीरो एट ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो सिक्स एट ज़ीरो कितना आ जाएगा 10400, ये आ जाएगा वन जीरो फोर डबल ज़ीरो ठीक है ये पॉइंट सी हो गया ये थर्ड स्टेप निकल गया अब हमें फोर्थ स्टेप पे जाना है फोर्थ स्टेप पे जाने के लिए क्या करेंगे जो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम है उसमें हम पहले एरियर को इंक्लूड करेंगे सो so, अब हमारा असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन वाले की जो हमारी इनकम है अब उसमें हम एरियर को इंक्लूड करेंगे हमारी इनकम कितनी थी थ्री लैख थर्टी थाउजेंड की और फिफ्टी थाउजेंड का एरियर इंक्लूड करा तो कितना आ जाएगा थ्री लैख एटी थाउजेंड ठीक है इसको इंक्लूड कर दो फिफ्टी थाउजेंड का एरियर अब जब हम एरियर एक्सक्लूड करेंगे तो वही आ जाएगी हमारी नॉर्मल इनकम कितनी आएगी थ्री लैख थर्टी थाउजेंड तो पहले तो हमें इंक्लूडेड वाली पे निकालना होता है तो इंक्लूडेड वाली पे टैक्स निकालेंगे टैक्स ऑन थ्री लैख एटी थाउजेंड सो पहले टू लैख थाउजेंड पर टैक्स क्या हो जाता है हमारा नील हो जाता है ठीक है अब बाकी हमारा कितना बैलेंस बैलेंस बचा 1, 30, का बैलेंस बचा का उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगा 5 तो आ जाएगा ठीक है तो इसका टोटल यही आ जाएगा सिक्सटी फाइव हंड्रेड अब इस पर हमने क्या देनी है रिबेट रिबेट कितने की पोला है उन्होंने बारह पांच सौ तक की रिबेट दे सकते हैं तो रिबेट कितनी आ जाएगी पूरी सिक्सटी फाइव हंड्रेड की क्योंकि बारह पांच सौ से कम है विच एवर इस लेस वाला ध्यान रखना है क्राइटेरिया तो ये क्या आ जाएगा नील ये कौन सा पॉइंट है हमारा डी पॉइंट ठीक है फिर हम निकालेंगे टैक्स ऑन थ्री लैख थर्टी थाउजेंड इसके ऊपर टैक्स निकलेगा इसके ऊपर टैक्स कैसे निकलेगा वही टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वाली ले लोगे ये आ जाएगा फर्स्ट में तो नील बाकी बैलेंस कितना बचा अस्सी हज़ार रुपये का इसका फाइव परसेंट निकालोगे तो आ जाएगा फोर थाउजेंड अब ये जो फोर थाउजेंड है इस फोर थाउजेंड पर रिबेट दे, दे देंगे तो रिबेट पूरी आ जाएगी क्योंकि कितने की होती है बारह पाँच सौ या जितना भी हम अमाउंट टैक्स पे कर रहे हैं वो जो भी कम होगा उसकी रिबेट मिल जाती है तो पूरी चार हजार की रिबेट यहाँ पे मिल जाएगी तो ये भी निल आ जाएगा ई पॉइंट अब जो हमारा सिक्स स्टेप है क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी माइनस -E ई करोगे वही आ जाएगा नॉर्मल निल आ जाएगा उसके बाद हमारा सेवन स्टेप क्या होता है कि जो हमारा सी यानी थर्ड स्टेप निकल कर आया है और ये वाला हमारा कौन सा स्टेप है एफ स्टेप है ठीक है यानी जो हमारा सिक्स स्टेप निकल कर आया है उसका डिफरेंस करेंगे सी माइनस एफ़ टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस एफ़ क्या है नील है तो हमारी जो ये है कितना आ गया टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड और इसी को हम क्या मान लेंगे कि ये रिलीफ मिलेगी अंडर सेक्शन एटी नाइन ठीक है तो जैसे स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसी स्टेप से चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है ठीक है So, आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और साथ साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय